तो अतुल, एक बार पहले आपको दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। जी सर, थैंक यू, आपको भी शुभकामनाएं सर। थैंक यू, थैंक यू। अच्छा अतुल, यू आर सीए एंड यू आर ए फाइनेंशियल एक्सपर्ट। जी मुझे लगता है कि कई विषयों पे हमें इस ढंग से विस्तार से बात करना चाहिए जिससे कि आम जनता को जो अपन बात कहना चाह रहे हैं उसे कन्विंसिंगली कह पाए, ठीक है ना, जी और वो जो है एक रिटोरिक साउंड ना करे। कई बार क्या ओके होता है कि आप लोग, नेता लोग जो है ना रिटोरिक में बात करते हैं, तो हम लोग कोई नेता नहीं है, वी आर जी प्रोफेशनल्स। एंड हमारा ये मानना है कि इंडिया का दुर्भाग्य ये है कि हमने अंग्रेजों के वही नियम कानून और बादशाही व्यवस्था जो कि निरंकुश व्यवस्था है वो अडॉप्ट की है, और वो आज के दुष्ट राजनेताओं को बहुत सूट कर रही है। जी तो बाकी दीगर तो ढेर सारी बातें अपन करते रहते हैं, लेकिन मैं चाहूंगा कि तुम अच्छे लोगों की टीम बनाओ और जी उससे जो है ना अपन उन प्रोफेशनल सब्जेक्ट पे बात करें, और जी फोकस उन एक्सपर्ट से बात करना नहीं है, फोकस ये होना चाहिए कि आम जनता को हम कन्विंसिंगली उस बात को कैसे कन्वे करें, ठीक है ना। जी जैसे अपन कह रहे हैं कि टैक्स फ्री भारत इज डूएबल, राइट। टैक्स यस फ्री भारत से जो के लिए बेसिकली सरकार को चलाने के लिए तो रेवेन्यू चाहिए, नंबर वन। तो एग्जैक्टली आपको एक्सटर्नल डिफेंस, इंटरनल डिफेंस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर जिसको अपन विकास कहते हैं, उनके लिए जो है ढेर सारा पैसा चाहिए होगा। बल्कि आज की तुलना में हम कम से कम 20 टाइम्स मोर मनी वी कैन क्रिएट, राइट। ओके और एट द सेम टाइम वी विल मेक इट टैक्स फ्री। नाउ ओके दिस मॉडल हैज टू बी डिबेटेड सो दैट इट शुड कम इन ए पब्लिक डिस्कशन, क्योंकि यदि ओके कोई चीज जो है, यदि हम टैक्स फ्री करने के बाद इतना पैसा पैदा कर सकते हैं, देन आज की सरकार को ये करना चाहिए, एग्जैक्टली सर ठीक है ना। लेकिन एक सोच मुझे लगती है कि ये लोग जानबूझ के नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि आम जनता को गरीब बनाए रखना, दारूखोर बनाए रखना, इन लोगों की एक सोची समझी रणनीति है। यस सर, यस सर आप मेरी बात समझ रहे हैं ना। जी, सही बात है सर, बिल्कुल ठीक है तो यदि मान लो वो आपको अमीर बना देंगे, तो कल से जो है चंद पैसों में आपका वोट नहीं खरीद पाएंगे। ना, बिल्कुल अच्छा, सही है सर। एज ए सीए आई डोंट नो आपको मालूम है कि नहीं, संविधान में एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी होता है। संविधान ने राज्य सरकारें किन चीजों को प्राथमिकता दें, ये संविधान में लिखा गया है। तो दे आर द ओके डायरेक्टिव प्रिंसिपल, दिशा निर्देश हैं सरकारों के लिए, जी और ये सरकारें उन दिशा निर्देशों का पालन नहीं कर रही हैं, बल्कि संविधान की व्यवस्था के विपरीत नियम कानून बना रही हैं, जिससे कि इनका सत्ता में बना रहने का उल्लू सीधा हो। ओके मतलब ये बहुत समझने वाली बात है, ये बहुत ही ज्यादा समझने वाली बात है। देखो, जैसे ये आर्टिकल 44 में लिखा गया है कि यूनिफॉर्म सिविल सर्विस, सिविल कोड होना चाहिए, ठीक है ना। इसका जी मतलब है भारत के हर नागरिक को, इररिस्पेक्टिव ऑफ द कास्ट, क्रीड और रिलीजन, एवरीबडी शुड बी गवर्न बाय द सेम सेट ऑफ द जनरल प्रिंसिपल एंड वाह जनरल जनरल सिविल कोड, राइट। यस सर जब आपके संविधान के निर्माताओं ने आपको ये दिशा निर्देश दिया था, और इसमें आपके 5 पैसे खर्च नहीं हो रहे हैं, इसके विपरीत जो है यू आर क्रिएटिंग डिफरेंशिएशन, राइट। यस सर जैसे जबकि फंडामेंटल राइट कह रहा है कि नो गवर्नमेंट सेल डिस्क्रिमिनेट ऑन द बेसिस ऑफ द कास्ट, क्रीड, रेस और रिलीजन, राइट। जी तो उन स्थितियों में ये बहुत ज्यादा जरूरी है, राइट, कि हम जो है
हेलो ऐसे नियम कानून जो कि इन लोगों ने बनाए हैं जी, उनकी समीक्षा भी करें और उनको रद्द भी करें। जैसे वक्फ बोर्ड एक्ट बना है जिसमें एक रिलीजन को बहुत ज्यादा अधिकार दे दिए हैं, उसे वर्चुअली न्यायालय भी बना दिया है, ट्रिब्यूनल भी बना दिया है, सरकारी खर्च पे हो रहा है, और कॉन्ट्रेरी बाकी रिलीजन्स को वो सब सुविधाएं नहीं दी हैं, राइट? यस सर, एग्जैक्टली अबॉलिश्ड, सो वक्फ बोर्ड एक्ट शुड बी इमीडिएटली रिपील्ड। हाँ, इट शुड बी रिपील्ड बिकॉज इट इज इनकंसिस्टेंस एंड इट इज रिपग्नेंट टू द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रावधानों के विपरीत होने के कारण उसे रद्द होना चाहिए, तो वो तो करने यस नहीं रहे। बल्कि जो है 1991 में जो बर्सी प्लेसेस एक्ट लाया गया, इसमें भारतीयों, इसमें एक सेक्शन 4 है जो कह रहा है कि कोर्ट आर डिबार्ड फ्रॉम टेकिंग कॉग्निजेंस, राइट? मतलब आप जो ओके है 1991 के बाद कोई प्रकरण इन न्यायालयों में नहीं ले जा सकते हैं एंड बर्सी प्लेसिस एक्ट के उस पे। और उन्होंने एक उसमें एक नीतिगत निर्देश दिया इस एक्ट में, वो दिया कि 15 अगस्त 1947 को जो स्थान जिस धर्म के लिए भी उपयोग में लाया जा रहा है जी वो उसी धर्म में उपयोग में लाया जाएगा। यदि 1947 और 1991 के बीच में ढेर सारे जो है ना केसेस कोर्ट में पेंडिंग थे, तो कोर्ट को दिशा निर्देश दिया इसी सिद्धांत के तहत उन सभी केसेस को निपटा दिया जाए, राइट? ओके और जी सर, 1991 के बाद आपको न्याय की भीख मांगने का, भारतीयों को न्याय की भीख मांगने का हक सेक्शन 4 वर्सी प्लेसेस एक्ट 1991 के तहत छुड़ा लिया गया है। ओके तो पिछले 1100 वर्षों में भारतीय संस्कृति पे लगातार जो है ना आक्रमण हुए, आतताइयों ने बड़ी संख्या में हिंदुओं को जो है ना हत्याएं की, उनकी महिलाओं के साथ बलात्कार किया। और आपको जान के ताज्जुब होगा कि ना केवल उन्होंने हमारी महिलाओं को दो दो दीनारों में बेचा, बल्कि इस तरीके के स्तूप भी लगाए कि यहां पर ओके भारतीय महिलाएं 2 दीनार में नीलाम होती हैं। ओके वो ऐसे स्तूप अभी अवेलेबल हैं, ठीक है ना? और फिर उन्होंने आपके आस्था के केंद्र मंदिर और मूर्तियों को तोड़ा, और फिर ये एक रिवाज सा बन गया कि अपनी शक्ति प्रदर्शन कर, आतताइयों के द्वारा अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए मंदिरों को तोड़ना, मूर्तियों को तोड़ना एक शक्ति प्रदर्शन का और सत्ता प्रदर्शन का एक तरीका बन गया, राइट? एग्जैक्टली सर, तो इतने सारे प्लेसेस को तोड़ा गया है। उस समय हम गुलाम थे, राइट? उस यस सर, समय हमारी मानसिक, शारीरिक, फिजिकल हम इस स्थिति में नहीं थे कि उन आतताइयों का आक्रमण को हम रिपील कर पाते और जो वो अत्याचार हमारे ऊपर कर रहे थे उसको हम रोक पाते, राइट? यस सर, लेकिन आज ऐसा क्यों हो रहा है? आज जो है स्वतंत्र देश के स्वतंत्र नागरिक, उसमें देश में जहां पर कि मुसलमानों को प्लीज करते हुए एक पूरा देश दे दिया गया, राइट? बल्कि अब तो 2 देश दे दिए गए, ठीक है ना? पाकिस्तान और बांग्लादेश, एग्जैक्टली ठीक है ना? बांग्लादेश की। हाँ तो जो है इसके बाद कम से कम भारत में सभी लोग रहे। हम इसमें ये नहीं कह रहे हैं कि हिंदू ही का हिंदुस्तान है ये, हम ये कह रहे हैं कम से कम हिंदुओं का समान दर्जा तो होना चाहिए ना। एग्जैक्टली सर, और एग्जैक्टली ये दुष्ट जो है राजनेता अपने लाभ के लिए हिंदुओं का दमन कर रहे हैं। आपको मालूम है आज जितने भी मंदिर हैं वो सब शासन के नियंत्रण में हैं, और हाँ, जितने बड़े जो है ना मंदिर। मुस्लिम के वो हैं वो वक्फ बोर्ड के उसमें आते हैं, और वक्फ बोर्ड को एक सरकार का दर्जा जैसा दे दिया है, न्यायालय का दर्जा भी दे दिया है। यस सर, ये किसी भी चीज को नोटिस दे सकते हैं कि ये जमीन जो है ना वक्फ बोर्ड की है, और यदि आपने जो है ना उसका जवाब नहीं दिया तो वो अपने उसमें एक रजिस्टर बनाया गया उसमें लिख लेते हैं, वो संपत्ति इनकी हो जाती है। इनकी हो जाती है।
और इसमें इसका जो है आप अपील किसी न्यायालय में नहीं कर सकते हैं, इसकी अपील जो है वक्फ बोर्ड एक्ट जो ट्रिब्यूनल है उसमें होती है, और उसमें न्यायाधीश नहीं होते हैं, उसमें मुसलमानों, केवल मुसलमानों को ही रखा जा सकता है। उन्हीं के मेंबर्स होते हैं। हाँ, और इवन जो इनकी मदद के लिए आईएएस आईपीएस उसमें पोस्ट होते हैं, जो कि सरकारी खर्चे पे होते हैं, वो भी मुसलमान होना चाहिए। अच्छा, ओके। तो इतना घटिया काम इन राजनेताओं ने किया है, और वो भी संविधान की व्यवस्था के विपरीत। एक ये कॉमनल वायलेंस प्रिवेंशन एक्ट ला रहे थे, दो बार इन्होंने कोशिश की, 2005 में और 2011 में कांग्रेस ने, और ओके। वो सफल नहीं हो पाए, क्योंकि मिस्टर जो है सुब्रमण्यम स्वामी, उन्होंने उसको बहुत कठोरता से जो है ना उसको डील किया, और उसको कठोर कोर्ट में किया। ले गए ले गए, तो उस डर से ये कर नहीं पाए। लेकिन दुष्टता ओके तो इनकी नसों में वो समाई हुई है, और बड़ी लज्जा की बात है कि आज की जो बीजेपी सरकार अपने आप को जो हिंदू हितैषी कहती है, मुझे तो उनकी हिंदू हितैषी की एक भी बात समझ में नहीं आती है। आप ये बताइए, जब जब जो है नरसिम्हा राव की कॉलिशन गवर्नमेंट, जिसको लूली लंगड़ी गवर्नमेंट, बैसाखी की गवर्नमेंट कहेंगे, उसने एक जी एक्ट बना दिया, बर्से प्लेसेस एक्ट, तो हम जो है कोर्ट कचहरी के चक्कर क्यों लगा रहे हैं? दैट एक्ट कैन बी एग्जैक्टली रिपील्ड बाय द बीजेपी, क्यों नहीं रिपील कर रहे हैं? बल्कि जब पूछा गया तो इन्होंने कहा कि हम रिपील नहीं करेंगे। अच्छा तो मतलब फिर तो ये शुद्ध दुष्टता हो गई ना। हाँ आपने आपने जो है, देखिए मैंने पिछली बार भी एक बार आप चर्चा से इस बारे में आपसे कहा था कि हमारे देश के संविधान ने प्रेसिडेंट को इस बात की शक्ति नहीं दी है कि वह कोई आर्टिकल पैदा कर दे, राइट? विशेष ओके परिस्थितियों में ऑर्डिनेंस जारी किया जा सकता है, वो भी तब जब पार्लियामेंट सेशन में ना हो, और 6 महीने के अंदर यदि पार्लियामेंट ने उसे पास नहीं किया, अप्रूव नहीं किया, तो वो लैप्स भी कर जाएगा। हाँ, वो लैप्स कर जाएगा, ठीक है ना? तो फिर जो है नेहरू जी ने राजेंद्र प्रसाद, तत्कालीन राष्ट्रपति के ऊपर दबाव बनाया आर्टिकल 35A का नोटिफिकेशन जारी करने का, जिसका राजेंद्र प्रसाद ने अपोज किया, 8 पॉइंट लिखते हुए कहा कि साहब ऐसा नोटिफिकेशन जारी नहीं किया जा सकता है, ठीक है ना? ओके जिस पे जो है नेहरू जी ने लिखा कि मैं आपके सभी बातों से सहमत हूं, ये जारी करें, हम लोग अनौपचारिक चर्चा कर लेंगे। मतलब देश के संविधान को, अच्छा देश की व्यवस्थाओं को घर की खेती माना गया, और इस देश को घर की खेती माना गया, जिसको चाहो जो बांट दो, ऐसा बादशाह है अपने आप को माना गया, जहां लगातार हिंदुओं के स्वाभिमान को, हिंदुओं के जो है ना उसको कुचला गया, जिन आतताइयों और आक्रमणकारियों ने हिंदुओं के साथ, भारतीयों के साथ, क्योंकि उसको हिंदू कहना भी ठीक नहीं है, आज जो मुसलमान हैं वो भी तो हिंदू ही थे, जिन्हें जो है ना दमन करके जो है उनको अपना धर्म बदलने के लिए कहा, राइट? कहा गया सर, ये तो एग्जैक्टली कम से कम हिंदुस्तान में तो जो है सभी लोग बराबर होना चाहिए। ये दुष्ट लोग जो छदम चरित्र के राजनेता हैं, इनसे किसी अच्छी अपेक्षा नहीं की जा सकती है, क्योंकि ये सर। दुष्ट चरित्र के लोग हैं, काले चरित्र के लोग हैं, सत्ता में बने रहने के लिए ये किसी भी हद तक गिरने के लिए तैयार हैं, ये कोई भी हथकंडा अपनाने के लिए तैयार है। अब जैसे इसी में देख लें कि आर्टिकल 35A इन्होंने 2019 में खत्म किया, लेकिन एक बार भी ये बात नहीं कही कि ये लाया ही असंवैधानिक तरीके से गया है, राइट? आप ये बताइए, जिस शक्ति, जो शक्ति प्रेसिडेंट में है ही नहीं, उस वो प्रेसिडेंट नोटिफिकेशन करके किसी आर्टिकल को संविधान में कैसे पैदा कर सकता है? कर सकता है क्या? नहीं कर सकता है ना? सर तो और इनकी नियत बहुत सारी जगह साफ नहीं है। जैसे अज्यूम करिए कि आर्टिकल 370 हटाया,
दुनिया ने इनको जो है ना, पूरे भारत ने इनको अपने सिर पे बिठाया, लेकिन जी इन्होंने दुष्टता करते हुए मई 2020 में एक डोमिसाइल पॉलिसी लाई जो कि आर्टिकल 370 की लाइन में ही है। उसमें जो है 15 साल आप जब वहां पे लगातार रहेंगे या 7 साल की शिक्षा होगी तब आपको जो है ना डोमिसाइल मिलेगा, और जिसके साथ डोमिसाइल होगा उसी को वहां पे ए से लेकर डी कैटेगरी की सभी नौकरियों की पात्रता होगी। तो बेचारे जो है ना, ओके जो बेचारे जो पंडित जो उसमें जो है ना बच्चे थे वो तो जो जी है आउट हो गए। अच्छा ओके तो ये ऐसी ऐसी घृणित जो है डोमिसाइल पॉलिसी क्यों लाए? तो ये, और जिन लोगों ने 1990 में जब बड़ी संख्या में हिंदुओं का मैसेकर किया गया जी और जिन्होंने थोड़ा बहुत हिंदुओं को सपोर्ट भी किया, ऐसे मुस्लिमों को भी मार दिया गया। मारा यस तो एग्जैक्टली मतलब जो है ना, ये अकेले हिंदुओं के नहीं, ये तो जो है ना देश के द्रोही लोग थे जिन्होंने ऐसा किया। और फारूक अब्दुल्ला की जो सरकार है वो चुपचाप बैठी रही और 9 दिन बाद उसने रिजाइन किया। क्यों हमने उसको दंडित करने के बारे में क्यों नहीं सोचा? नहीं सोचा, वो उस समय कांग्रेस ने कुछ नहीं किया सर। हाँ, और लेकिन कांग्रेस, उस समय कांग्रेस की सरकार नहीं थी, बीपी सिंह की सरकार थी। अच्छा वीपी सिंह की और सरकार वो थी। बीपी सिंह की सरकार जो है वो भाजपा की बैसाखियों से पैर थी, तो भाजपाइयों ने कुछ नहीं किया, ओके अदरवाइज गिरा देते उसको। और मुफ्ती मोहम्मद सईद वाज द होम मिनिस्टर एट द टाइम। वाज द होम मिनिस्टर एंड ही वाज द कंस्पायरेटर, जिन्होंने जो है ओके पाकिस्तान से कंस्पायरेसी करके, उसकी जो बिटिया हाँ का जो अपहरण हुआ है वो फर्जी था। मैं तो आईजी ऑफ या रहा एग्जैक्टली हूँ, तो ये तो ओपन इतने था, दुष्ट, ये ओपन तो था। इतने दुष्ट लोग थे कि इन्होंने पूरी जो है ना षड्यंत्र रचे हैं, और इस षड्यंत्र में हमारे राजनेता बराबर के हिस्सेदार रहे हैं। अच्छा आप ये बताइए, आज हम जो बुलडोजर चला रहे हैं अपराधियों के, उसमें हमने कानून कहाँ बनाया है? हम कानून क्यों नहीं बनाते हैं? मतलब हम व्यक्तिगत वो काम कर रहे हैं जो बुलडोजर चला रहा है, कल जो है यदि उसको कोर्ट से सजा मिल जाती है तो वो अधिकारी मरे। एग्जैक्टली आप कानून क्यों नहीं बना रहे हैं, ये बताइए ना। और दूसरी बात है, सर। आपके जाने के बाद भी व्यवस्था वैसी ही चले। तो मैं तो यहां तक, हाँ यस 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 देखो मैं तो यहां तक कहता हूं कि आप मुझे ये बताइए कि इस देश में सभी को अपनी श्रद्धा और अपने सोच के अनुसार जो है धर्म अपनाने का और उसका प्रचार करने का फंडामेंटल राइट आर्टिकल 25 के तहत दिया गया है, राइट? जी फिर जो है दोनों ही पक्ष के लोग जो है एक्सट्रीम बातें करने में क्यों सफल हो रहे हैं? एग्जैक्टली यदि यदि कोई कोई हिंदू ये कैसे कह सकता है कि हिंदुस्तान में रहना है तो राम, जय जय राम और श्री जय श्री राम राम, कहना हाँ होगा, जय जय श्री श्री राम राम कहना कहना होगा? होगा। तो मेरा ये कहना है कि चलिए, तो हमारा इसमें बहुत सिंपल सी बात ये कहना है कि ना तो जो है ना कोई इस तरीके से कह सकता है, क्योंकि ये देश जो है सभी के लिए है, राइट? हमने जी बाय चॉइस जो भी किया है वो हिंदुओं का देश नहीं बनाया है, वो सभी लोगों का देश है। तो हाँ सही हिंदुओं बात को है ये कहने की बिल्कुल भी अधिकार नहीं बनता है, और ये ठेकेदारी हम किसी को नहीं दे सकते हैं कि वो इस बात पर दंगे कराएं और फिर उससे राजनीतिक लाभ लें। उनका राजनीतिक लाभ लेने से हटके और कोई वो नहीं है, एजेंडा नहीं है। हाँ एग्जैक्टली है तो वो तो सिर्फ वो जो है ना पॉलिटिकली श्री राम कहना है, राम के प्रति उनका प्यार नहीं है, उनका जो नहीं है, है। उनका जो है ध्रुवीकरण करना और हिंदुओं के वोट से खुद को सत्ता में स्थापित करना उनका मकसद है, राइट? यस अच्छा, एग्जैक्टली एग्जैक्टली दूसरी सर बात है कि सही दूसरे धर्म के लोग भी ये बात कैसे कह सकते हैं कि हमारा धर्म मानो, नहीं तो तुम काफिर हो, हम तुम्हारा सिर धड़ से जुदा कर देंगे और हमें जन्नत भी मिलेंगी और 72 हूरें भी मिलेंगी। यह कहना अपने आप में क्या संविधान की भावना के विपरीत नहीं है? तो संविधान के भावना के विपरीत ही है सर। ये दुष्ट भाजपा एक चार सेक्शन का, जैसे वर्शिप प्लेसेस एक्ट बना था, ऐसे ही चार सेक्शन का जो है धर्म स्वतंत्रता जो है ना प्रोटेक्शन एक्ट क्यों नहीं बनाना चाहिए, जहां पे कोई भी जो है
किसी दूसरे व्यक्ति को उसकी इच्छा के हिसाब से धर्म परिवर्तन के लिए यदि दबाव बनाता है या कोई ऐसी बात कहता है, तो चाहे वो बात कहे चाहे एक्शन करे, वो एक संज्ञेय अपराध होगा, नॉन वेलेबल होगा, मिनिमम 10 साल की सजा होगी और संपत्ति आवश्यक रूप से जब्त की जाएगी, संपत्ति को राजसात कर लिया जाएगा। अब आप मुझे बताइए किस देशद्रोही में, चाहे वो किसी भी जाति का हो किसी भी धर्म का हो, उसकी औकात होगी कि वो जो है ना आर्टिकल 25 का उल्लंघन करे? नहीं होगी सर, बिल्कुल नहीं होगी। ऐसा नियम कानून क्यों नहीं बना पा रहे हैं, क्यों नहीं बना रहे हैं? नहीं, इसलिए नहीं बना रहे हैं कि हिंदुओं को डिवाइड करो, दंगे करो, ध्रुवीकरण करो और सत्ता में बैठो। अदरवाइज मैं माननीय नरेंद्र मोदी जी से, प्रधानमंत्री से प्रार्थना करता हूं कि सभी धर्मों के लिए स्वतंत्रता के लिए आर्टिकल 25 का वायलेशन शुड बी ट्रीटेड एज ए कॉग्निजेबल ऑफेंस। 4 सेक्शन का ऑप्शन बनाया जाए जिसमें आवश्यक रूप से संपत्ति जब्त करने का प्रावधान जरूर रखा जाए, क्योंकि ये जो बड़े बड़े बन रहे हैं ये जी देशों से विदेशों से जो है ना बहुत पैसा वैसा इकट्ठा इनको मिल रहा है, इसलिए ये अनर्गल देश को बांटने की बातें करते हैं। तो यदि हम इनकी संपत्ति जब्त कर लेंगे तो आपको लगता है किसी ओवेसी की औकात होगी बकवास करने की? नहीं नहीं होगी सर, अगर इतने रूल स्ट्रिंजेंट होंगे, लॉ इतना स्ट्रिंजेंट होगा। 4 सेक्शन का बनाना है, बड़ा बनाना ही नहीं है कि उसका ध्येय लिखा जाए कि इसका ध्येय है सभी को जो है धर्म के का मानने और प्रचार करने की स्वतंत्रता। आप जो है ना यदि आप फालतू की बात करोगे कि तुम जो है ना हमारा धर्म नहीं मानोगे तो काफिर हो, इट इज ए वायलेशन, हम जो है ना आपको जेल भेजेंगे, संपत्ति जब्त कर लेंगे। तो जिन मदरसों में ऐसी बात पढ़ाई जाएगी वो मदरसे में के जो है ना सभी लोग जेल चले जाएंगे और जो मदरसे की संपत्ति है वो राजसात हो जाएगी। अब बताइए कौन करेगा? तो अब ये आप बुलडोजर लेके ड्रामाबाजी कर रहे हैं विदाउट जो है प्रोवाइडिंग लीगल फ्रेमवर्क टू डू इट। तुम्हें लीगल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करने में क्या दिक्कत है? आदित्यनाथ योगी जी जो है वो लीगल फ्रेमवर्क क्यों प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं? कल जो है कोई अधिकारी अपने अधिकार क्षेत्र की सीमा के बाहर जाने के लिए यदि कोर्ट उसे जेल भेजेगी तो वो मरे हैं, आप फ्री में हीरो बने हैं। नहीं, मैं ये कह रहा हूं आपका कद इतना छोटा क्यों है, आप जो है निर्भीकता से अपनी बात क्यों नहीं कह पाते हो? जब मैथिली शरण जैसा छोटा सा व्यक्ति इतनी कठोरता के और जो है ना दृढ़ता के साथ कोई बात कह रहा है तो ये काम हमारे देश के जो है ना माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्यों नहीं? बिल्कुल सही। बुलडोजर मुख्यमंत्री जो है ना आदित्यनाथ योगी जी क्यों नहीं कर पा रहे हैं? वो क्यों जो है ना अपनी दृढ़ता जो है ना केवल बातों में और जो आप जो दृढ़ता दिखा रहे हो अपने एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रेमवर्क से, कल यदि कोर्ट उसको जेल भेज दे तो क्या करेंगे? वो मरे, इनकी सेहत पे क्या फर्क पड़ता है, इनकी सत्ता तो चल रही है। सही बात है सर। तो देखो मैं बहुत आजकल दुखी होता रहता हूं और मुझे लगता है कि हमारे असली रावण जो है ये राजनेता हैं, ये आपराधिक चरित्र के आपराधिक सोच के व्यक्ति हैं। और आपको ये तो मालूम ही है ना कि जो अभी 2019 से 2024 की पार्लियामेंट चल रही है इसमें उनके अपने एडमिशन के हिसाब से 42% मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के विरुद्ध आपराधिक रिकॉर्ड हैं और 29% जो कि बहुत बड़ी संख्या है के विरुद्ध जघन्य अपराध हैं, हत्या, डकैती, लूट, किडनैपिंग, बलात्कार। तो इन दुष्ट राजनेताओं को अच्छे चरित्र के 137 करोड़ में अच्छे चरित्र के व्यक्ति नहीं मिलते हैं, नहीं मिल पाते। हाँ तो ये दुष्ट है ना, तभी तो दुष्टों को जो है ना देते हैं। और ये स्थिति तब है जबकि इनमें से इनके विरुद्ध अपराध पंजीयन ही नहीं होते हैं। हाँ एग्जैक्टली सर, इन कुछ तो जो है ना बिगर देन लॉ हो गए हैं ना। एग्जैक्टली हुए हैं। तो अब इस स्थिति में आप कुछ करने के लिए तैयार नहीं है। अपराधियों को जब एक चपरासी बनने का अधिकार नहीं होता है तो उसे जो है चुनाव कॉन्टेस्ट करने का क्यों होना चाहिए? लेकिन ऐसा नियम कानून तो बनाएंगे नहीं, क्योंकि ये शुद्ध दुष्ट है, इनके ये खुद ही जो है ना तड़ी पार व्यक्ति है, ये खुद ही अपराधी है। लिहाजा अब जो है समय आ गया है कि हम लोग जो है क्राइम फ्री भारत मिशन के जो 21 ऑब्जेक्टिव हैं उनको हासिल करें
और एनर्जी मॉडल के तहत बिना खर्च के सिर्फ लोगों को जोड़ के चंद्रगुप्त बनने का मौका दें, और फिर जो है थाली बजाकर, दीपक जलाकर और रोज संकल्प लेकर हम अपने चंद्रगुप्तों को विजयी बनाएं, और ये क्षुद्र चरित्र के, काले चरित्र के इन राजनेताओं को जब तक हम पराजित नहीं करेंगे तब तक ये देश जो है धनी नहीं होगा। जी सर, इस देश को समृद्ध ना बनाना भी एक साजिश है। तो ये एग्जैक्टली सर, नारे लगाएंगे, और इतने दुष्ट हैं कि देखिए, मैं इस बात को कई बार समझाने की कोशिश करता हूं कि ये टिकट किसे देते हैं? अच्छे लोगों को टिकट ही नहीं देते हैं, जो इनको ज्यादा जी पैसा सर, देता है उसको टिकट दे देते हैं। उन ज्यादा बाहुबल, देखने की कैपेसिटी रखता है। नहीं, कि जितने इतनी कैपेसिटी छोड़ो, पहले तो हम ये कह रहे हैं कि जितने की कैपेसिटी तुम जिसको टिकट दोगे उसकी उसमें वो अपने, यदि ऑप्शन अच्छे ही होंगे तो अच्छे में से ही सिलेक्ट होगा ना वो भाई। यदि आप अपराधियों को टिकट ही नहीं देंगे तो उनकी जीतने की कैपेसिटी कंसिडरेशन में नहीं आएगी ना। यदि अतुल जो है एक अपराधी है और अतुल को टिकट ही नहीं मिल सकता है, तो अतुल जीतने की कैपेसिटी रखता है, ये तो इट इज ए हाँ, मीनिंगलेस ना। एग्जैक्टली सर, फिर तो कोई मतलब ही नहीं बचेगा ना। हाँ, मतलब फिर दोनों तो करेक्ट, अच्छों में से एक ऑप्शन ढूंढना पड़ेगा। दूसरा जो है ये बाहुबलियों को और अपराधियों को टिकट देते हैं जो आम जनता पे अत्याचार कर रहे हैं, उनसे अवैध वसूली कर रहे हैं, उनकी जमीनों पे कब्जा कर रहे हैं, आम जनता को प्रताड़ित कर रहे हैं, आम जनता को दबाने के लिए उनके विरुद्ध झूठे मुकदमे कायम कर रहे हैं। ऐसे बाहुबलियों और अपराधियों को, चूंकि वो ज्यादा पैसा देने की स्थिति में हैं और चुनाव जीतने की स्थिति में हैं, जिसकी परिभाषा आपने अभी दी है, लिहाजा उनको टिकट दे जी रहे हैं। दल जी बदलू, जिनका कोई जो है ना धर्म नहीं है, सत्ता में बने रहने की लालसा में वो इनकी पार्टी में आते हैं, तो इन्हें न केवल वो पार्टी में लेते हैं बल्कि उन्हें टिकट भी देते हैं और बाद में मंत्री पद भी देते हैं। देते हैं कि नहीं देते हैं? दल बदलुओं को जो है ये टिकट भी देते हैं और मंत्री भी बनाते हैं, है कि नहीं? फिर एग्जैक्टली सर, एमपी में भी क्या हुआ, यही हुआ। रिसेंट नहीं, क्यों एमपी में है, एग्जांपल तो अपना ही कर्नाटका में स्टेट है, है। महाराष्ट्र में, रिसेंट रिसेंट है, हाँ, और इन्होंने महाराष्ट्र तो राजस्थान में भी कोशिश की जो की चली नहीं। फुलफिल नहीं हो पाया। हालांकि इन्होंने क्या, ये तो सर आजादी के बाद से चला रहा है, शुरुआत तो कांग्रेस ने ही की थी, ये भी उसी को फॉलो कर रहे हैं। हम जो है अतुल, अब हमें पार्टी की बात नहीं करना चाहिए, नहीं, हाँ क्योंकि एग्जैक्टली सभी एक सर, ही थैले के चट्टे बट्टे हैं, हम यस राजनेता सर, हैं ना यस, इनको। बिल्कुल बिल्कुल श्योर, बिल्कुल तो चाहे सही है तुम किसी सर, भी पार्टी के हो, तुम तो बराबर काले किसी चरित्र को के हो, भी, बराबर दुष्ट हो। तुम जो है ना यस प्रटेंड कर रहे सर, हो, जो तुम प्रटेंड कर रहे हो वो तुम हो ही नहीं। जैसे भाजपा प्रटेंड कर रही है कि वो हिंदू जो है का जो है ना संरक्षक है, तो बताओ उसने कौन सा कानून हाँ बना दिया है? हाँ कुछ भी नहीं, अभी तक उसने जो भी किए हैं वो सिर्फ वोट ध्रुवीकरण के लिए ही किए हैं। ये नहीं तो खैर तो समझदार लोगों को तो समझ में आता भी उसको है। नियम कानून बनाना चाहिए ना। जैसे मान लो मैं ये एग्जैक्टली कह रहा हूं कि जितने दंगे फसाद हैं ये गायब हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे, क्योंकि इनके लिए पैसा आ रहा है और ये उस पैसे के कारण ये जो है ना इस तरीके की बकवास करते हैं, और वो बकवास संविधान की फंडामेंटल राइट के विरुद्ध है। तो चार सेक्शन का एक छोटा सा एक्ट बनाने में इन दुष्टों को, इन दुष्ट राजनेताओं को क्या दिक्कत है? मुझे तो कोई दिक्कत समझ में नहीं आ रही है, और मुझ जैसा व्यक्ति कोई जो है ना दूध पीता बच्चा तो है नहीं। इतने सालों की सर्विस में जो है ना हमने इनके सब रंग ढंग देखे हैं, तो मैं कोई इम्प्रैक्टिकल बात नहीं तो नहीं करूंगा कि करूंगा। नहीं सर, इम्प्रैक्टिकल बात तो है नहीं, पॉसिबल तो सब है। तो फिर सवाल वही उठता है कि और आप अपने नेताओं के बच्चों को टिकट दे रहे हैं, क्यों देंगे उन्हें? उन्हें उसी जो है ना, जैसे आम कार्यकर्ता जैसे जिस ड्रिल से गुजरता है, इन्हें भी उसी ड्रिल से पैदा होने देना चाहिए। एग्जैक्टली सर, तो ये, और जो जाति और धर्म के आधार पर टिकट देते हैं वो भी खोज के अयोग्य व्यक्तियों को टिकट देते हैं, क्योंकि इनमें तो योग्यता है नहीं। यदि इनसे योग्य व्यक्ति पहुंच जाएगा तो कल उसको जो है ना उनके लिए चुनौती बन जाएगा। तो जो अच्छे लोग हैं, एग्जैक्टली विद्वान लोग हैं, जो इस देश के लिए विजन रखते हैं, नितिन गडकरी जैसे, उनको किनारे कर देते हैं। उनको पीछे किया जाता है। एग्जैक्टली सर, अब आदित्यनाथ योगी जो है, ऑल सेड एंड डन,
ही शुड हैव गॉट द बर्थ इन पार्लियामेंट्री कमेटी। यस यस तो आप योग्य लोगों को किनारे लगाएंगे। और सबसे बड़ी बात तो ये कि राजनेता इतने दुष्ट हैं कि जिन कार्यकर्ताओं ने इन्हें राजनेता बनाया है ये उन्हीं के साथ दगा करते हैं, उन्हीं के साथ विश्वासघात करते हैं, क्योंकि जिनको ये टिकट बांट रहे हैं वो उन कार्यकर्ताओं का हक मार के कर रहे हैं जिनको जिन्होंने इनको राजनेता बनाया है, जिनके जिन्होंने जो है ना इनके कहने पर जुलूस धरने दिए हैं, डंडे खाए हैं और केसेस अपने ऊपर लदवाए हैं और कई लोग तो उसमें से मौत के भी शिकार हो गए। बिल्कुल सही। तो ये तो अपने सगे के भी मीत नहीं है। तो हाँ इनका बहुत चरित्र तो अपने लोगों के ऊपर से गुजर के खुद राजसत्ता में बैठ जाओ, ये यस सर। जी है कि नहीं है? सर बिल्कुल है। तो आपको जो हमने क्राइम फ्री भारत का जो मॉडल बताया है जी उसमें आपको कुछ कमी दिख रही है क्या? नहीं, कमी बिल्कुल भी नहीं है, बस मास्क को जोड़ना है सबसे नहीं बड़ा नहीं नहीं कोई बिल्कुल रिक्वायरमेंट मास्क, है सर। बिल्कुल मास्क को नहीं जोड़ना है, अपने आप को जोड़ना है, ठीक है ना? तो हमने इसमें जो है 5 अंतःविधायें और 16 बाह्यविधायें रखी हैं, जी ठीक है ना? 5 अंतःविधायें क्या कह रही हैं कि हमें खुद को जोड़ लेना है। 90 करोड़ लोग सिर्फ खुद को जोड़ लेंगे तो हमारा संकल्प पूरा हो जा रहा है। ओके 90 करोड़ लोगों को, एक भी व्यक्ति को नहीं जोड़ना, राइट? और 90 धन 9 करोड़, 99 करोड़ लोग सिर्फ अपनी यदि महिला है तो अपने पति को जोड़ ले और पुरुष है तो अपनी पत्नी को जोड़ ले, तब भी जो है अपराध मुक्त भारत का मिशन पूरा हो जाता है। तो क्या पति को अपनी पत्नी को जोड़ना और पत्नी को अपने पति को जोड़ना कठिन काम है? नहीं, कठिन काम नहीं है, तो बिल्कुल नहीं। 99 करोड़ का तो खाता जो है ना सिर्फ एक व्यक्ति को जोड़ने से पूरा हो जा रहा है, बचे 1 करोड़ व्यक्ति, राइट? तो जी 1 करोड़ में एक मैथिली शरण गुप्त को 90 व्यक्तियों को जोड़ना है, राइट? जो ओके वो 9 लोगों को जोड़ेंगे पहले दिन, उन 9 व्यक्तियों को मात्र 80 लोगों को जोड़ना है। ओके ये जो 10 लोग रहेंगे जो कि ये नौ जी नौ नौ लोगों को, नौ नौ लोगों को और जोड़ेंगे, राइट? जी इन लोगों को मात्र 70 लोगों को जोड़ना है, मतलब 9 लोगों को मात्र 70 लोगों को जोड़ना है। ओके नहीं, मुझे 90 जोड़ना है, जो 9 लोग जुड़े हैं उन्हें 80 लोगों को जोड़ना है, और जो जो ये 9 लोग और एक 10 लोग मिलके जो है जो 90 लोगों को और जोड़ेंगे उन 90 लोगों को मात्र 70 लोगों को जोड़ना है, 900 लोगों को मात्र 60 लोगों को जोड़ना है, ओके 9,000 लोगों को मात्र जो है 50 लोगों को जोड़ना है, मात्र नौ जी हजार सर लोग 9,000 लोग 50 लोगों को जोड़ लेंगे तो जो है हमारा मकसद पूरा हो जाएगा। और नब्बे यस हजार लोगों को मात्र 40 लोगों को जोड़ना है, 9 लाख लोगों को मात्र 30 लोगों को जोड़ना है, नब्बे लाख ओके लोगों को 20 लोगों को जोड़ना है, और 9 करोड़ लोगों को 10 लोगों को जोड़ना है, यस और 90 करोड़ लोगों को किसी को नहीं जोड़ना है, और हमारा 100 करोड़ का जो लक्ष्य है वो पूरा हो जाएगा। तो पूरा क्या होगा। कठिन है क्या? ये नहीं, कठिन नहीं है सर। कठिन नहीं है। तो यदि हम अपने परिवार के लोगों को जोड़ लेते हैं, खुद को जोड़ते हैं, फिर अपने परिवार को, जिसमें पहले पत्नी को अलग कर लेते हैं क्योंकि 99 करोड़ का खाता तो पति पत्नी से पूरा हो रहा है, इसका मतलब है कि अब हम परिवार में भी 2 हिस्सों में बांटे, एक पति पत्नी और दूसरा जो है फिर परिवार के अन्य सदस्य, फिर मित्र एंड फिर जो है रिश्तेदार, और रिश्तेदार के बाद जो है जो विभिन्न सर्कलों से हम जुड़े हुए हैं उनके लोगों को जोड़ना है। और इसमें भी हमने एक चाबी आपको दे के रखी है कि जो विद्वान खुदगर्ज स्वार्थी लोग हैं जो कि चरित्र से बहुत भीरू और कमजोर हैं, जो देश के लिए नहीं अपने लिए जीते हैं, ऐसे लोगों को पत्थर मान के जो है ना किनारे कर दीजिए। और इनसे जब भी आप बातचीत कर रहे हैं, जैसे ही आप महसूस करें कि ये खुदगर्ज बेकार का व्यक्ति है तो उससे बातचीत उसी समय बंद करना है, क्योंकि ये आपके काम का व्यक्ति नहीं है।
एग्जैक्टली सर, और हमारे कबीरदास जी एक इससे आगे चल के बहुत बड़ी बात पहले से ही कह के गए हैं। आपने बचपन में एक कविता पढ़ी होगी, लाली मेरे लाल की जित देखो तित लाल, लाली देखन मैं गई तो मैं भी हो गई लाल। तो जब 100 करोड़ लोग जो है ऊर्जाकृत होके क्राइम फ्री भारत मिशन से जुड़ जाएंगे, तो ये शुद्ध चरित्र के जो है सो कॉल जो है स्वार्थी खुदगर्ज विद्वान, ये खुद ब खुद जो है दौड़ के साष्टांग प्रणाम करते हुए जो है क्राइम फ्री भारत मिशन से जुड़ेंगे। जब तक वो खुद जो है ना ऐसा नहीं करते हैं, उन्हें पत्थर मान के किनारे कर दो, तो आप बताओ ये कितना आसान है? आसान है कि नहीं है? आसान है सर। चलिए, तो आपने मैडम जैन को जो है ना जोड़ लिया है क्या? आप खुद जुड़ गए हैं ऐप से मैं कि नहीं जुड़े हैं बताइए? हाँ जरूर। आप ऐप ऐप से जो जुड़ते हैं, जो ऐप है क्रिकुटम ऐप, जो क्राइम फ्री हाँ भारत मिशन ऐप है, यस उससे जुड़े हैं आप? सर, जुड़ा हूँ ना। अच्छा, आपने मैडम जैन को जोड़ लिया है? तो नहीं नहीं जुड़ा मैंने। आज आज जो है संकल्प लो कि हमें पहले मैडम जैन को जोड़ना है, और फिर जो है जी बच्चों को जोड़िए, फिर अपने मित्रों को जोड़िए, रिश्तेदारों को जोड़िए, और उन सबको जो है क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब कराइए, ठीक है ना? एग्जैक्टली सर। अच्छा, और वो आप मुझसे पूछें कि क्यों साहब सब्सक्राइब करें, से क्या फायदा है? तो देखो, जी जैसे मैंने आपको आज समझाया, तो आपकी ऊर्जा बढ़ी कि नहीं बढ़ी? बढ़ी। बिल्कुल सर, बढ़िया। तो इसका मकसद ये है कि मैथिली सेनगुप्त तो हर किसी से बात नहीं कर पाएंगे ना, तो और जी हर दिन बात नहीं कर पाएंगे, तो क्राइम फ्री एग्जैक्टली भारत पे जो 1800 से भी अधिक जो है वीडियोज हैं, ऑडियोज हैं, उनको यदि हम एक ऑडियो वीडियो भी सुन लेंगे, तो हमारी एनर्जी जो है ना फिर से ऊपर बूस्ट करती जाएगी, और हमारी ऊर्जी ऊर्जा और कमिटमेंट बढ़ता जाएगा, तो हमें अपने काम में सहूलियत मिलेगी। हम निश्चित तौर पे आधा घंटे 1 घंटे इस देश निर्माण के काम में लगा सकते हैं, क्योंकि अब मैं ये बात समझ चुका हूं कि इस देश का भला करने के लिए इन दुष्ट काले चरित्र के राजनेताओं को पराजित करने के अलावा और कोई विकल्प नहीं है, एग्जैक्टली और वो भी हमें बिना खर्च किए करना होगा। तो हम इनकी स्ट्रेटेजी से बिल्कुल नहीं चलेंगे। तो देखो, क्राइम फ्री भारत मिशन से जुड़ने के लिए 5 पैसे लग रहे हैं क्या? सर। नहीं लग रहे हैं। आप कोई नियम कानून तोड़ रहे हैं क्या? क्या आप चक्का जाम कर नहीं रहे सर, हैं? क्या आप घेराव कर रहे हैं? नहीं जुलूस निकाल रहे हैं? कुछ कर रहे हैं नेगेटिव? नहीं कर रहे हैं। नहीं सर, तो जो गुलामों के नियम है वो आप उनको भी नहीं तोड़ रहे हैं, आप कंडक्ट रूल को भी नहीं तोड़ रहे हैं, राइट? आप जो है अपने से जुड़े लोगों को जोड़ रहे हैं, और उसमें जो विद्वान खुदगर्ज लोग हैं उनको पत्थर मान के किनारे कर दे रहे हैं। तो काम बिल्कुल सरल है कि नहीं? सरल है अच्छा, अब आप ये बताइए कि सामान्य तौर पे हम लोग अपने व्यक्तिगत कामों में इतने बिजी रहते हैं कि हमें अपने ही लोगों से बात करने का समय नहीं मिलता है, राइट? तो जी। क्राइम फ्री भारत मिशन के संबंध में चर्चा के चक्कर में जब आप अपने लोगों से बात करेंगे, ऊर्जाकृत करेंगे, संकल्पित करेंगे, तो आप मुझे बताइए कि ये काम बड़ी आसानी से आपके जो नेटवर्क है उसमें एक मिठास और एक मधुरता पैदा होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल होगी सर। तो आपको देखो, इससे मैस्लो हायरार्की की जो नीड के जो 5 चरण हैं, इंक्लूडिंग सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, वो भी आप प्राप्त कर पाएंगे, वो भी बिना किसी खर्च के। और आपको ये मालूम है ना कि यदि आप एक व्यक्ति को जोड़ते हैं तो आपको जो है ना सिस्टम मोहल्ला अधिकारी बना देता है। ओके यदि आप 3 लोगों को जोड़ देते हैं, अभी आपको कोई रैंक मिली है क्या? सर, अभी मैंने चेक नहीं की। मैंने पहले ऐड किया था, ये अपना ऐप ऐड हुआ था उससे पहले ही ग्रुप बनाया था प्रोफेशनल्स का, तो उसके नहीं, बाद अभी लेकिन मैंने कुछ ऐड नहीं किया। उनको आप जोड़िए इसमें। ऐप देखिए, उस जी ग्रुप का कोई मतलब नहीं है, वो इनफॉर्मल चिट चैट हो गई है, वो एक जी मनोरंजन टाइप की बात हो गई है। अब ये अपन सीरियस जी बात कर रहे हैं, जिसमें हम इस देश के जो है गुलामों के नियम कानून बदलेंगे, जो अभी निरंकुश बादशाही व्यवस्था है जिसकी कोई जिम्मेवारी नहीं है। यदि आपका जी पटवारी आए और गलत नाप तौल करके चला जाए, उसकी कोई जिम्मेवारी है क्या? नहीं है सर अभी तो। तो ये जो बादशाही निरंकुश व्यवस्था है, इसको बदलना होगा। अपराध मुक्त जी भारत की जो 5 सर्टेनिटी हैं,
उस सर्टेनिटी के साथ बिना थाने जाए आपकी एफआईआर दर्ज हो जाए, बिना जो है क्राइम फ्री भारत के जो टेक्नो इंजन के सपोर्ट से 15 दिन में अकाट साक्ष्यों के साथ चालान पेश हो जाए, और अधिकतम 30 दिन में डिस्ट्रीब्यूटेड वीडियो बेस्ड ट्रायल सिस्टम के माध्यम से बिना कोर्ट जाए कोर्ट ट्रायल पूरा हो जाए, तो आप बताइए कोई अपराध करेगा क्या जेल में सड़ने के लिए? हाँ, नहीं होगा, और फिर नहीं जो है करेगा। क्राइम फ्री भारत का जो डिजिटल चित्रगुप्त है उसके पास क्राउड सोर्सिंग के माध्यम से हर अपराधी के बारे में 360 डिग्री इंफॉर्मेशन होगी, तो जब वो अपराध करने निकलेगा तो सिस्टम पहले से अनुमान लगा लेगा कि ये अब अपराध करने निकल रहा है, और इसके साथ में ये व्यक्ति हैं, इस साधन से निकल रहे हैं, इनके पास कोई घातक हथियार हो सकता है कि नहीं हो सकता है, किस रोड किस रूट को जो है ना, किस रोड को या ना ये लेंगे, और इनका आक्रमण का या अपराध का टारगेट कौन होगा, और फिर जो है क्राइम फ्री भारत का जो है डिजिटल चित्रगुप्त स्मार्ट इंटरवेंशन प्रोसेस के माध्यम से अपराध घटित करने के पहले उसे रोक लेगा, ठीक है ना? तो आपने जी विकास दुबे का सुना होगा, उसने जो है ना 8 पुलिस अधिकारियों को जो है ना शूट कर दिया था कल, राइट? तो इसके बारे में मेरा मानना है कि हर अपराधी अपनी गली में शेर होता है, एग्जैक्टली सर तो जी यदि यदि सिस्टम जो है उसे पकड़ने जा रहा है तो या तो उसकी गली में ना जाए, उसे कुत्ते की जगह हाँ पे पकड़े जहां उसकी हैसियत कुत्ते की हो, और यदि सिस्टम जो है उसको दिखाने के लिए पब्लिक में एक इमेज क्रिएट करने के लिए यदि उसकी गली में जाके पकड़ना चाहता है तो शेर की तैयारी से जाए हाँ एग्जैक्टली और उसे फिर पिंजरे में बंद करके आके जो है ना पब्लिक में डेमोन्स्ट्रेट करे कि साले तुम कुत्ते ही हो। तो स्मार्ट इंटरवेंशन प्रोसेस के माध्यम से शुरू में 30-40% में, लेकिन बहुत जल्दी 4-5 साल के अंदर ही जब डाटाबेस बढ़ जाएगा तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से हम 99.9% केसेस में अपराध घटित होने के पहले अपराधी को पकड़ पाएंगे, गिरफ्तार कर पाएंगे। इसका मतलब है भारत में 5 साल बाद यदि इस इच्छा शक्ति को जमीन पे और कानून का हिस्सा बना दिया जाए तो 5 साल के बाद भारत में अपराध करना एक ऑप्शन नहीं बचेगा, राइट? तो यस जब सर, आप अटेम्प्ट कर रहे होंगे अटेम्प्ट के चक्कर में ही जेल चले जाएंगे, राइट? यस और सर 0.1% केस में जो है जहां आप अपराध करने में सफल भी हो जाएंगे वहां पर जो है बिना थाने जाए आपकी एफआईआर दर्ज हो जाएगी, 15 दिन में अकाट साक्ष्य इकट्ठे कर लिए जाएंगे, और अधिकतम 30 दिनों में बिना कोर्ट जाए ट्रायल कंप्लीट करके सामने वाले को जेल में सड़ना पड़ेगा। तो आप मुझे बताओ कि कोई जेल में सड़ने के लिए अपराध करेगा क्या? नहीं करेगा सर। तो आप बताइए, जब ऐसा संभव है तो हमारे दुष्ट राजनेता, क्योंकि ये जो है ऐसा संभव है, ये हमने कॉन्सेप्ट नोट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को 2017 में भेजा था एज ए सिटिंग डीजी, और 2019 में इसे ग्राह्य करके इसे नेशनल पुलिस मिशन घोषित कर दिया गया है, और आज भी मैं इसका प्रोजेक्ट लीडर हूं, लेकिन मैं इस बात को भली भांत समझ गया हूं कि इन दुष्ट आपराधिक चरित्र के राजनेताओं के रहते यह कभी जमीन पर नहीं उतरेगा। नहीं आ पाएगा एग्जैक्टली। तो तभी फिर हमने कहा कि हमें एक एनर्जी मॉडल निकालना चाहिए जिसमें बिना खर्च के हम इन राजनेताओं को हरा पाए, क्योंकि यदि आप खर्च करके जो है ना हारेंगे तो एक दुष्ट केजरीवाल और पैदा हो जाएगा। एग्जैक्टली सर। तो आप बताइए क्या इन राजनेताओं को हराना इतना कठिन है? नहीं, कठिन नहीं है सर। जब कठिन नहीं है, पैसा भी खर्च नहीं हो रहा है, आप किसी नियम कानून को नहीं तोड़ रहे हैं, आप किसी कंडक्ट रूल को नहीं तोड़ रहे हैं, और आगे चल के पहले 100 करोड़ लोगों को जोड़ेंगे और 37 करोड़ लोग जो है कबीरदास जी के दोहे के तहत लालिमा से अपने आप को दूर ना रख पाने के कारण वो भी जुड़ जाएंगे, तो जब पूरे देश की आबादी चाहेगी और अपने चंद्रगुप्तों के फेवर में वोट करेगी तो ये छदम जी चरित्र के नेताओं की तो जमानतें जब्त हो जाएंगी। यस एग्जैक्टली होगी सर।
तो फिर हम जो है ये संदेश जन जन तक क्यों नहीं पहुंचा पा रहे हैं, स्पेशली जो हमारे 5 लोग हैं, हम खुद, हमारी पत्नी, बच्चे, मित्र, रिश्तेदार और जिन सर्कलों से हम जुड़े हुए हैं उन सर्कल के लोगों को। जी तो आप मुझे बताइए कि आप कैसे करेंगे सो दैट आपके सर्कल के लोग तो जुड़ ही जाएं। यदि आप चाहो तो जो है ना उनका, जैसे आपने अलग से ग्रुप बनाया हुआ है उसमें इन मटेरियल को डालो, उनसे गुफ्तगू करो। यदि लगता है तो मैं उनका जो है एक वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उन्हें एड्रेस भी करूंगा, राइट? तो ये बड़ा भला हो जाएगा सर, हमारे इसमें गति आ जाएगी, क्योंकि हम 9 दिन में 100 करोड़ हो सकते हैं जी। और वो भी इतनी आसानी से कि 99 करोड़ को तो सिर्फ पति को पत्नी को और पत्नी को पति को जोड़ना, सिर्फ 9 लोगों को 80 लोगों को जोड़ना है, सिर्फ 90 लोगों को 70 लोगों को जोड़ना है, सिर्फ 900 लोगों को 60 लोगों को जोड़ना है, 9,000 लोगों को 50 लोगों को जोड़ना है, 90,000 लोगों को 40 लोगों को जोड़ना है जी। और 9 लाख लोगों को 40 को और 90 लाख को जो है 30 को और 9 करोड़ को तो मात्र 10 लोगों को जोड़ना है। यस सर। तो बहुत ही आसान है और जब अपने खीसे से पैसे भी खर्च नहीं हो रहे हैं तो आपको नहीं लगता है कि हमें इन सब चीजों पे जो है लोगों को इकट्ठा किया जाए, उनसे बात की जाए और आप जो है ना वीडियो कॉन्फ्रेंस से जो है ना एक बार हम उनको रिमोटली एड्रेस कर देंगे तो उसमें, क्योंकि हमें खर्च विहीन व्यवस्था पे बहुत जोर देना है जी सर, क्योंकि आप खर्च करेंगे तो फिर आपका फाइनेंशियल इंटरेस्ट आ जाएगा। हमने अपने ऐप में डोनेशन का खाता भी नहीं खोला है। ओके। वो रोज रिमाइंड कराता है कि साहब आप हम वी सपोर्ट डोनेशन, तो आप जो है ना डोनेशन में अपना अकाउंट वगैरह दे दीजिए तो हम इसको ऐड कर देंगे। वी सेड वी डोंट वांट एनी डोनेशन। ओके। तो मैं आपको 2 जिम्मेवारी, एक तो हर भारतीय वाली जिम्मेवारी आपको देना चाहते हैं, दूसरा हम चाहते हैं कि आपके जो डिफरेंट अर्थशास्त्री हैं उनसे विभिन्न विषयों में चर्चा की जाए और वो मेरे दिमाग के अंदर जो चीजें समाई हुई हैं उन्हें निकाल के फिर डॉक्यूमेंट हो सके वो और वो पब्लिक तक पहुंचे, तो ये लोगों को समझ में आए कि जो हम बातें कह रहे हैं वो धरातल पर स्ट्रांग बातें हैं। ओके। बात समझ रहे हैं आप? जी सर। तो मेरे ख्याल से अब बात अपनी लंबी हो रही है तो इसको यहाँ पे अपन विराम करते हैं। एक बार फिर से आपको दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं। आप इस पे होमवर्क करिए और आप अच्छे लोगों को जो है वो करिए, उनसे अपन जो है वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विभिन्न टॉपिक पे बात करेंगे और वो ऐसे लोग होना चाहिए जो बात को काटने की बजाय उसको समझने की कोशिश करें और निकालने की कोशिश करें, क्योंकि टारगेट वो व्यक्ति नहीं है जिससे चर्चा कर रहे हैं, टारगेट भारत की आम जनता है जहां तक वो मॉडल पहुंचाना है कि हम इस देश को कर मुक्त भी कर देंगे। आज का जो आपका मिडिल मैन जो कर की से मरा जा रहा है और हम जो है इसके बावजूद भी 20 गुना ज्यादा पैसा हमारे पास होगा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने के लिए। जी सर, ठीक है। तो इसी के साथ इस वार्तालाप को समाप्त किया जाए। जी सर। चलिए, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू सर। ओके, नमस्कार।